और किसानों के आंदोलन में अराजकता की भी खबरें आ रही हैं, जहां NH 9 पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक दल ने पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें गाजियाबाद के SP अभिषेक वर्मा और अन्य पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। NH 9 पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए गाड़ियों का एक काफिला आया और उसी दौरान जो SP अभिषेक वर्मा है उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। SP अभिषेक वर्मा ने खुद बताया, गाड़ियों को रोकने की जब पुलिस प्रशासन ने कोशिश की तो गाड़ियों का जो काफिला था वो पुलिस की तरफ आगे बढ़ा और बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीधे आगे निकल गया, जिसके बाद SP अभिषेक वर्मा ने ये बयान दिया है कि उन गाड़ियों को चिन्हित कर उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। 10-15 गाड़ियाँ थी, बहुत तेज़ स्पीड में आ रही थी, उनको इस बैरियर के आगे जाने की अनुमति नहीं, उनको बोला कि आप गाड़ी घुमा करके दूसरी तरफ लगा लीजिए, तो उसमें हमारी फोर्स भी आगे खड़ी हो गई थी और गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसी बीच उन लोगों ने गाड़ी को तेज़ स्पीड से वहाँ निकालने की कोशिश करी, जिसमें हम और हमारे कुछ जो पुलिसकर्मी हैं अगर वो पीछे नहीं हटते तो उनके पैर में चोट लग सकती थी, इसलिए उन गाड़ियों की जो भी है हमने सारी डिटेल ले ली है और जितने लोगों की उनकी ओनर्स की डिटेल ले ली है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। देखना होगा किस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी। हालांकि किसानों का जो प्रदर्शन है अभी भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन लगातार इस प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं, जिस तरह से ये घटना कुछ देर पहले यहाँ पर होते होते बची है। रिपीट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद, NH 9, UP दिल्ली बॉर्डर।